So what did you bring me today? Today I got you the Maruti Suzuki Celera. This is the 2021 upgrade, the Mitsubishi newest version. Yeah, exactly. And this is an interesting looking car. It comes in with a 998 cc 3-cylinder engine that is a K10C engine. So this is a newer engine. It comes with 67 PS of power and 89 Newton meters of torque. And on performance front, ये गाड़ी एक सिटी ड्राइव के लिए ठीक ठाक आपको पावर दे देगी, एक अच्छी सिटी ड्राइव के लिए कंफर्टेबल छोटी फैमिली कार बनाने की कोशिश की गई है. बट दिस कार शुडंट बी अ हाईवे परफॉर्मेंस, दिस कार वोंट अम्यूज यू विद दिस परफॉर्मेंस. हाँ, दिस विल बी अ रिलायबल कार फॉर डेली यूज. इसकी माइलेज कितनी होगी? दिस प्लान्स टू बी इंडियाज मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार एंड इसकी माइलेज विल बी समवेयर अराउंड 24 to 26. And on a petrol, that is an amazing, outstanding mileage. That's amazing. Exactly. और ये गाड़ी काफी कुछ promise करती है मारुति को, एक काफी premium touch add करती है, एक बहुत ही family budget के लिए. So let's see how this car performs. But what do you think about the looks? Okay, I mean it's a very small सी, cute सी car जो इन्होंने मतलब design करी है, compact. कार और काफी ग्लॉसी फिनिश दिया है इन्होंने, ज्यादा डिटेलिंग पे फोकस नहीं कर रहा है, बहुत सिंपल सी कार बनाई है. दे बेसिकली गॉटन रिड ऑफ द सेलेरियो की, पिछली सेलेरियो की जो बॉक्सी डिजाइन थी उसको दे गॉटन रिड एंड दे ट्राइड टू मेक अ वेरी यू नो न्यूअर मोर लाइक स्लीकर लुकिंग डिजाइन. ऑल्दो इसका जो मेटल क्वालिटी है दे प्रॉमिस्ड इट इज बेटर, मगर फिर भी अभी भी हल्का ही फील होता है एंड यू कैन एक्चुअली प्रेस द बॉनेट जस्ट बाय इट. So the metal quality is still just average, I must say. The lights are all halogen units as expected at this price point. It's starting at about 4.9 lakhs and going all the way up to 6.9 lakhs. It's a budget friendly car. It's a budget friendly car. Lights mein yahan pe kuch design type ki di gayi hai jisse ki thoda ek alag look aata hai. Although ye lights ek matlab city ke liye theek thaak performance deni chahiye. Fog lamps yahan pe mounted hai and again they are also halogen units. So no LED. No LED units whatsoever. एंड यहाँ पे एक बम्पर को ब्लैक फिनिश, एक जैसे आप दूर से गाड़ी को देखेंगे तो ऐसा लगेगा दैट इट इज स्माइलिंग एट यू काइंड ऑफ लुक, अ वेरी वियर्ड, वेरी जो टीवी कार्टून आता था कार्स. एग्जैक्टली, ए स्टार से इंस्पायर्ड लगता है थोड़ा सा. लोग मारुति की गाड़ी आती थी ए स्टार, दिस इज काइंड ऑफ लाइक दैट. द ग्रिल एक्चुअली ट्राइज टू जॉइन द फ्रंट टू हेडलाइट्स विद अ क्रोम लाइन एंड बीच में मारुति का लोगो प्लेस्ड है. एग्जैक्टली, एक प्लास्टिक की थोड़ी चीप सी फील होती है ग्रिल, मगर ऑफ कोर्स इट डज इट्स जॉब वेल. ये रेडिएटर कूल करने के लिए ग्रिल होती है एंड कमिंग टू द लोअर हाफ ऑफ द बम्पर, एक स्किड प्लेट टाइप डिजाइन दिया गया है यहाँ पे, बट अगेन दिस इज अ प्लास्टिक बम्पर ओनली, सो दिस वोंट रियली प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनीथिंग, एनी अंडुलेशंस ऑन द रोड, मगर ये एक डिजाइन टाइप का दिया है. पार्किंग सेंसर्स, इसमें आगे तो सवाल ही नहीं है पार्किंग सेंसर्स का एट दिस प्राइस पॉइंट, पीछे भी मिल जाए वही बड़ी बात है, और इसमें अभी देखेंगे कितने है पीछे. सो नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, लेट्स सी व्हाट दे हैव डन ऑन द साइड, कैसे अपडेट किया गया है इस सिलेरियो को. And it has alloy wheels, जो कि एक ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं एंड आई दे गेट योकोहामा टायर्स एक्चुअली, और इनका प्रोफाइल और सेक्शन है 175/60R15, तो 15 इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं इस गाड़ी को, काफ़ी अच्छा जो कि एक साइज है, इस साइज की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी सूट भी करता है 15 इंच. हाँ, और 60 प्रोफाइल है, मतलब इट्स बेसिकली गिवन मोर टूवर्ड्स कम्फर्ट. बहुत ज़्यादा वाइड टायर्स नहीं है क्योंकि दे आर ओनली 175 सेक्शन, तो पतले ही टायर्स हैं, दे आर नॉट वाइट टायर्स, मगर बट अगर ये पूरा ऑल ब्लैक ना होता और यहाँ थोड़ी वो सिल्वर मेटल का होता, क्रोम फिनिश होती है, क्रोम फिनिश होती तो वो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती डिजाइन को. एक छोटी गाड़ी के हिसाब से यस, बट दे हैव ट्राइड टू गिव इट अ मोर प्रीमियम लुक. और साइड मिरर्स की बात करें तो दे आर एक्चुअली फोल्डेबल फ्रॉम द इनसाइड, ये एक काफी नया फीचर है कि अब ये गाड़ी के साइड मिरर्स भी अंदर से फोल्ड हो सकते हैं. आफ्टर दैट वी कम टू द indicators that are placed over here on the AB, and coming to the side you get a request sensor over here which can lock and unlock the car from both the sides actually. तो इसका की होल यहाँ पे placed है और इस गाड़ी की चाबी मतलब ये काफी छोटी compact सी चाबी बनाई गई है, मगर हाँ इसमें आपको देख के लगेगा नहीं कि यहाँ पे की जाएगी, but this actually does hide a key inside. और इसके बाद अब पीछे आते हैं, we can see the fuel lid is actually openable only from the inside, ये बाहर से press करके नहीं खुलती है. There's a request sensor on the boot as well, that is also a very good feature, and the boot is of decent size, मतलब अगर आप दो या तीन लोग हैं तो you can actually fit in decent space, और 60-40 split दिया जा रहा है पीछे वाली seat में, ये भी एक काफी अच्छा feature है.
छोटी गाड़ी के हिसाब से जितने लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं आराम से दो लोगों का लगेज कैरी दो या तीन लोग एग्जैक्टली एंड कमिंग टू द स्पेयर टायर दैट्स R14 तो या 14 इंच स्पेयर मिलता है कुछ 80 किलोमीटर की स्पीड लिमिट बताई गई है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि साइज छोटा है कॉस्ट कटिंग तो की ही गई है बट दिस कार डज गेट सम इंसुलेशन ओवर हियर व्हिच इज अ गुड थिंग And there's a pretty new feature के मतलब boot पे भी request sensor दे रखा है exactly and it only gets 2 parking sensors in the rear it doesn't even get a third we one we do get parking sensors and there's a wiper placed over here there's a washer over there defogger and a high stop lamp placed inside the car actually coming to the rear lights it has a very different very weird design to it it's got a it's like a water drop what they claim yes And all halogen units again. There's reflectors placed over here. And the antenna you must be wondering in this car is the normal antenna placed up front. जैसे पुरानी cars में. जैसे पुरानी cars में आता था exactly. Now coming to the rear doors. So coming to the rear doors now. Let's open them. Let's see अंदर से कैसी है ये गाड़ी. So this is a test car और ये अभी तो पूरी तरह से इसमें पन्नी वन्नी भी चढ़ी हुई है. मगर you can see there is enough space in the car. There is actually cloth upholstery of course but jo seat belts wagera hain there are 2 proper seat belts and one a normal like a third person gets a floating seat belt kind of thing opening the front door of the car you get height adjust for the driver that is actually pretty amazing and with that we come to end of the walk around let's check the interiors of the car let's go So getting into the rear seats now. The first thing when you sit inside, you notice that there is actually decent enough knee room. There is okay headroom, okay-ish headroom, and you get thigh support also. There's some amount of thigh support present, and the leg room is also slight. It's okay. I mean, considering my height and considering this car's price point, it seems fine. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो there is actually a little tiny scuff plate given. The door hand, door pockets, even though they are made of a very, you know, a flimsy very plastic. Very low quality plastic, because the moment you pull the door towards you, वो हिलता है. Exactly. Plastic. And यहाँ पे chrome door handles देने की कोशिश करी गई है. एक थोड़ा premium touch दिया गया है गाड़ी को. एक bottle holder, एक cubby hole इधर और एक speaker placement यहाँ पे की गई है. जो कि अगर now when it begs to the question that where is the power window mount? So the power window mount is actually placed in the center right here. जहाँ पे उसका वाला वहाँ है एंड देन देयर इज अ पावर विंडो अंडर द विंडो एक्चुअली डज नॉट ओपन ऑल द वे थोड़ा सा नीचे ही रहता है चाइल्ड सेफ्टी दैट्स व्हाट दे डू लाइक इन कॉस्ट कटिंग इन द नेम ऑफ चाइल्ड सेफ्टी यहाँ पे एक देयर इज अ हैंडल टू होल्ड ऑन टू एंड व्हेन इट कम्स टू सीटिंग 3 पीपल आई डोंट थिंक 3 पीपल विल रियली बी कंफर्टेबल इन द कार अगर 3 एडल्ट्स हैं तो बट अगर हाँ एक बच्चा है आपके साथ तो यू कैन डेफिनेटली सीट 3 बाकी देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इन द रियर यू गेट अ पार्शियल ट्रे बिहाइंड यू टू कीप सम इट्स अ वेरी बेसिक कार अ वेरी बेसिक अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट बाय मारुति दे हैव डिजाइंड इट टू बी एवरीडे मैंस यू नो अ गो टू कार लाइक आपको अगर आसपास की 30-40 किलोमीटर पर डे की ड्राइव करनी है तो दिस इज द कार फॉर यू नाउ लेट्स मूव टू द फ्रंट सीट्स फ्रंट सीट्स ऑफ द कार You can see there's a lot of things being offered यहाँ पे अपनी price के हिसाब से ये गाड़ी कुछ कोशिश करती है अपने cost से ज़्यादा देने का there's a 7-inch touchscreen being offered there with Android Auto and Apple CarPlay so now let's try the audio quality of this car let's see तो लाइक इसकी प्राइस के हिसाब से एक डिसेंट क्वालिटी है मगर हाँ जब आप आवाज तेज करते हैं तो स्पीकर फटने लगते हैं इट इज नॉट या और ऐसा लग बहुत वाइब्रेशंस फील होती हैं और उसी के नीचे आपको एक हैजर्ड लाइट स्विच दिया गया है यहाँ पे ड्राइवर का विंडो कंट्रोल इधर है पैसेंजर का विंडो कंट्रोल उधर है देयर इज अ लॉक एंड अनलॉक बटन प्लेस्ड ओवर हियर एंड पीछे रियर विंडो लॉक यहाँ पे प्लेस्ड है व्हिच यू कैन यूज टू लॉक द रियर विंडोज अगर आपके पीछे कोई बच्चा या कुछ बैठा हुआ है द मैनुअल एसी कंट्रोल आर ट्राइड टू लाइक They have tried to make it a little more premium, मगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं They feel flimsy. The plastic quality in the dashboard also seems very flimsy all in all. काफ़ी hard plastics का use किया गया और दो airbags दिए गए आपको सामने और steering पे volume controls. Steering पे volume controls दिए गए हैं mute करने का बटन दिया गया है call उठाने काटने का बटन दिया गया है
There's a Viper placed over here. Let's see how the Viper performs. Very normal, very flimsy again. And there are light placements over here. Now let's check the glove box. Let's check the glove box. ठीक है, so that is that, and then there are two cup holders, a tiny cubby hole, a USB and aux socket over here, और यहाँ पे 12-volt charger socket. तो शायद आपको cubby holes या कुछ मिलता है उधर side में? Yes, I do get a bottle holder and a very tiny cubby hole. Okay. And but you can't really store anything in this. Right. And about the sun visors, I get just a receipt holder. Mirror. You get a mirror. No light. No light whatsoever. There is a light placement over here, but that is also a halogen simple light. और यहाँ पे एक mic की placement है. IRVM जो है वो manual IRVM है, वो automatically adjustable नहीं है. देखा जाए कि इन्होंने ज़्यादा कुछ features दिए नहीं है इसमें. हाँ मतलब इन्होंने AC vents को थोड़ा सा chrome garnish किया है, एक rotary है और एक ऐसा है, तो कुछ मतलब exterior पे काफी focus करा है, but features के मामले में इतने ज़्यादा features नहीं. कोई ज़्यादा बहुत basic features है जो पहले भी cars में आपको मिलते थे. और एक जो instrument cluster की तरफ देखे हम, तो ये analog और digital का एक मिक्सचर है, जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है आपको, एक डिजिटल टैकोमीटर, एक डिजिटल ओडोमीटर मिलता है इसमें आपको, एंड देयर आर वार्निंग लाइट प्लेसमेंट्स ओवर हियर. सो इट ऑल इन ऑल इट ट्राइज टू लाइक मारुति इज ट्राइंग टू गिव इट अ प्रीटी डीसेंट लुक. और यहां पे अगर आप देखेंगे टुवर्ड्स द ड्राइवर साइड डोर, तो यहां इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन, एक ऑटो ऑन एंड ऑफ बटन मिलता है, और यहां से मिरर एडजस्टमेंट्स है जो आप बाहर का मिरर यहां से एडजस्ट कर सकते हैं. इधर हेडलाइट लेवलिंग के लिए ये है, और बोनेट ओपन और क्लोज करने के लिए यहां पे मिलता है. Now so let's take it for a drive now. Yeah, let's take it for a drive. So guys, let's start with the drive review of the car, the Maruti Celerio. We have your left foot on the brake, right foot on the accelerator. Let's rev it up. This goes all the way up to 2000 RPM and then stops revving. And we launch. This is in manual mode right now. So it revs all the way up to 6000 RPM and then the engine starts making such a noise. Yeah, it makes such an irritating noise. Oh god. And you can feel the speed breakers as if abhi gaadi tod gaya andar hi aa gayi. Oh damn. This car is totally not comfortable over speed breakers or in city speeds. ये गाड़ी एक आराम से चलाने वाली ही गाड़ी है. बहुत आराम से आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं. हाँ मतलब ये पिकअप पिकअप के लिए नहीं बनी है, ये आप एक अच्छी छोटी फैमिली कार है. टू ड्राइव इट विद फैमिली एंड टू लाइक बी कंफर्टेबल, अगर आप चार से पांच लोग बैठे हैं, एक बजट गाड़ी है. सो दिस कार वाज नेवर मेड टू लाइक बी अ वेरी फास्ट कार, तो इसीलिए इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो ट्यून्ड ही इस तरह से है कि एक स्लो स्पीड पे अच्छा आपको कंफर्ट दे दे. जैसे अगर आप स्लो स्पीड पे स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जाते हैं 20 25 30 तो भी आपको बम्प्स फील होते हैं और आपकी पूरी बॉडी शेक हो जाती है. और आप अगर ड्राइव मोड पे भी हैं तो आपको गियर शिफ्ट जो है इसके देखते हैं अच्छे खासे पता लगते हैं. एक 3 सेकंड का प्रॉपर एक्सेलरेशन में गैप आता है और उसके बाद ही गियर शिफ्ट होता है. कॉर्नर पे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस देखते हैं एक बारी. सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप है, मगर हल्का फुल्का बॉडी रोल फिर भी आपको महसूस होता है. बाकी कॉर्नर पे ठीक ठीक है ये गाड़ी. अगर आप 40-50 की स्पीड पे, जो आपकी एवरेज स्पीड एक शहर में रहेगी, उस पे चल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इट इज नॉट स्मूथ, लाइक जब हम स्लो स्पीड पे भी कार ड्राइव कर रहे हो और आप बैठे हो तो आपको बम्प्स फील होंगे, आपको मतलब कंटिन्यूसली एक नॉइज फील होगा और वाइब्रेशंस भी फील होंगे. हाँ मतलब रोड बहुत ज्यादा फिल्टर करके अंदर आती है, जो रोड नॉइज है वो भी अच्छा खासा अंदर आता है. तो देयर इज नथिंग मच दैट इज लाइक यूनिक अबाउट दिस कार और समथिंग लाइक दैट. ये बस है टू लाइक बी अ कम्यूट. दिस इज लाइक अ स्प्लेंडर इफ यू कैन कंपेयर इट टू अ बाइक. एंड एट द प्राइस पॉइंट दैट मारुति ब्रिंग्स इट, ठीक ठाक फीचर ऑफर किए जाते हैं. दो एयरबैग दे रहे हैं, एबीएस दे रहे हैं, बट कॉस्ट कटिंग भी तो बहुत करी है इसमें. हाँ मतलब अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पावर विंडो बटन, तो ये इतनी हल्की प्लास्टिक क्वालिटी का बटन है. मतलब अगर यही बटन यहाँ से हटा के इसके नॉर्मल जगह पे होते और अगर प्लास्टिक में थोड़ा इन्होंने एक्चुअली इन्वेस्ट करा होता और गुड क्वालिटी प्लास्टिक यूज करा होता तो ये फिर भी एक डिजायरेबल कार बन जाती. बट अगर आप डोर भी बंद करो तो ऐसा लगता है हैंडल हाथ में आ जाएगा. दैट इज एक्चुअली ट्रू. एंड
When you come to city driving, हाँ ये गाड़ी comfortable feel होती है अगर आप इसको push नहीं कर रहे हैं तो about 60 तक की speed तक तो ये बहुत ही comfortable रहनी चाहिए. Highway पे हाँ आप इस गाड़ी को 100 पे भी long term चला सकते हैं मगर हाँ आपको मज़ा नहीं आएगा ये गाड़ी चलाने में. Ambling through gullies, through city traffic, this automatic version would be extremely good for that. 26 का average ये गाड़ी देती है. एक अच्छे suspension setup के साथ आती है, एक reliable company की तरफ से आती है, तो इसलिए ये गाड़ी मतलब काफ़ी कुछ देती है अपने price point के हिसाब से. Now let's take a U-turn and see इसका turning radius कैसा है. Not bad, एक ठीक ठाक turning radius है. और हाँ मतलब आप आराम से अगर ये गाड़ी चला रहे हैं तो आई थिंक दिस कैन बी अ प्रीटी गुड सिटी कार, अ प्रीटी गुड फैमिली कार. विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर रिव्यू. और इससे ज़्यादा इस गाड़ी में बात करने के लिए इज नॉट मच लेफ्ट. ड्राइविंग एट 120 वाज नॉट पॉसिबल इन दिस कार, बट वी वुड रिकमेंड कि अगर आपका बजट एक 5 से 8 लाख रुपये की गाड़ी का है तो आप इस गाड़ी के लिए जाना चूज करें, क्योंकि एक अच्छी फैमिली कार बन सकती है आपके लिए. और दिस कार for us will be a 6 out of 10 rated car. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल. सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू गाइस. डू यू लाइक द कार? नो, आई डिडंट लाइक द कार, बट अगर आपका बजट कांस्टेंट है तो गो फॉर दिस कार, अदरवाइज इट्स अ नो. कैन आई टेक द कार? प्लीज.